जी नाजरीन, आज हम एक कॉमन मर्ज जो मुझे अपनी प्रैक्टिस में देखने में आई है उसका जिक्र करेंगे। तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ लाइफ स्किल टीवी का कि उन्होंने हमें मौका दिया। और ये मर्ज आम है जिसको हम आधे सर का दर्द, दर्द शकीका, मिग्रेन कहते हैं। और कुछ लोग और तिब में, स्पेशली तिब यूनानी में ये कहा जाता है कि ये सूरज के साथ इसका बड़ा लिंक है कि जैसे जैसे सूरज तुलू होता है जो ये वाला जो दर्द है, आधे सर का दर्द जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ जैसे सूरज ग़ुरूब होता है तो ये दर्द कम हो जाता है। इसमें बेसिकली अखलाक जो है उनको जिस्म से उनको खारिज करना इंतहाई ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से ये सर में दर्द होता है। और ये एक ऐसा मूजी मर्ज है जो आजकल मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अक्सर लोग आ रहे हैं कि इसका इलाज तिब्बे यूनानी में क्या है। देखें, तिब्बे यूनानी छोटी सी फील्ड नहीं है। तिब्बे यूनानी में अद्वियात के साथ साथ बहुत से ऐसे तरीके भी शामिल हैं जो बगैर मेडिसिन के हैं, जो विदाउट मेडिसिन है, जैसे एक्सरसाइज है, जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, कपिंग है, हिजामा है, फसद है, तो ये भी मिग्रेन में स्पेशल बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने तिब्बे यूनानी यूनानी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक आम सी बूटी उस्तखदूस, गुले उस्तखदूस, ये मार्केट से आपको पनसार से मिल जाएगा। उसका कहवा सुबह शाम आप पिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा फाका होगा। और इसके साथ अगर आप को निज़ाम इन्हज़ाम का भी कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो उसके लिए आयुर्वेदिक, तिब्बे यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों मिलते जुलते इलाज हैं। तो आयुर्वेदिक वैद्य ये कहते हैं कि त्रिफला, तीन फल, आंवला, भेड़ा और हरीन, ये तीनों चीज़ें बराबर वजन में लें और उनका एक चम्मच जो है बड़े वाला 10 ग्राम का जो चम्मच होता है, एक कप पानी में, नीम गर्म पानी में मिक्स करके पी लें। लेकिन उसको कूटना है, ग्राइंड नहीं करना, कूटना है। या तो ये कि रात भर भीगा रहे और सुबह उठ के उसको छान के पी लें, या फिर पानी में जोश दे के सुबह शाम खाने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे भी मिग्रेन। लेकिन उसमें उस्तखदूस का शामिल होना इंतहाई ज़रूरी है। उस्तखदूस की एक मखसूस मकदार ले लें, क्योंकि ये गुले उस्तखदूस लेना है मार्केट से, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह इतना फ़ायदा होगा कि आप दुआओं में याद रखेंगे। और लाइफ स्किल टीवी का भी शुक्रिया अदा करेंगे और हमारे लिए भी दुआओं में याद रखेंगे हमें। और मिग्रेन की मैं स्पेशल बात करूं, अभी जो लोग आ रहे हैं, आज का जो दौर, ये जो मौजूदा दौर जा रहा है, इसमें जो मेरी प्रैक्टिस में देखने में आया है, जिस तरह आप पीछे मेरे बोर्ड पे भी देख रहे होंगे, कपिंग, हिजामे का भी जिक्र है। मैंने आपको गुजारिश की है पहले कि इखलात का अखराज होना जिस्म से वो भी ज़रूरी है। वेनिसेक्शन भी इसके लिए की जा सकती है, रग में से खून निकालना, लेकिन वो किसी माहर मुआलिज से ही हो सकेगा, हर बंदा नहीं कर सकता। और जब भी आप कोई भी इलाज करवाएं, वो सर दर्द का हो, आधे सर दर्द का हो या पेट दर्द का हो, तो उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप किसी क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड मुआलिज के पास जाएं। किसी भी इलाज को आप फोकस करें, किसी भी तरीका इलाज को, बहुत सारे इलाज हैं दुनिया में, लेकिन उस मुआलिज के पास जाएं जिसको उसके ऊपर अबूर हासिल हो। तो अभी मैं बात कर रहा था आपके दर्द सर की, आधे सर दर्द की, दर्द शकीका की, मिग्रेन की, तो उसके लिए एक टूल जो मैंने भी आजमाया और देखा भी, लोग आ भी रहे हैं, उनको फ़ायदा भी फौरी होता है, बेहतरीन जो उसके लिए है वो है हिजामा, कपिंग। अगर आपने बिटवीन शोल्डर, गर्दन से नीचे जो गर्दन के मोरे हैं, गर्दन का 7वां मोरा और सीने के पहले मोरे के दरमियान आपने कप के ज़रिए उसके फासद खून जो है वो निकाल दिया, इंशाल्लाह आप हैरान होंगे कि 90 से 80 90% बंदा उसी वक्त, जो आपका पेशेंट है उसी वक्त ठीक हो जाएगा। और मेरी प्रैक्टिस में ये भी देखने में आया कि ये मर्ज़ ज़्यादातर आजकल ख़वातीन में पाई जाती है, और शायद उनका निज़ाम इन्हज़ाम की ख़राबी की भी मेन वजह से ये मर्ज़ हो सकती है। तो कोशिश कीजिए जो मर्ज़ की असल वजह है उसका इलाज कीजिए। अल्लाह हाफिज़।